रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ और रेडियो मानव रचना से जुड़े हमारे सभी लिसनर्स और साथ ही हमारे सोशल मीडिया से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम एक खास मुलाकात में, जहां पर हर संडे हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे अपने शहर फरीदाबाद की एक खास हस्ती से। कभी वो स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े होते हैं तो कभी पॉलिटिक्स की, और आज स्क्रीन पर तो लोग देख ही रहे हैं लेकिन जो रेडियो पर हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज हम ऐसी एक खास हस्ती से बात कराने वाले हैं जो हरियाणा की बेटी हैं, फरीदाबाद से इनका ताल्लुक है, फरीदाबाद में रहती रही हैं और देश भर में इन्होंने नाम रोशन किया है शहर का म्यूजिक के क्षेत्र में। हमारे साथ हैं हिमानी कपूर। हिमानी कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू वेरी मच। सो हिमानी, हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को पहले बता दें कि हिमानी कपूर ने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए हैं और ये फिल्में सुपर डुपर हिट भी रही हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करी थी उससे पहले ये सारेगामा पा चैलेंज 2005 में गई थी और ना जाने कितने लोगों ने इनके लिए फरीदाबाद शहर से वोट किया था। बहुत सारे कैंपेन्स चले थे, होर्डिंग्स हमने बहुत सारी देखी थी और शोज हमने देखे थे। हिमानी जब सारेगामा पा से आई थी तो फरीदाबाद में बहुत बड़े बड़े शोज हुए थे, अलग अलग शहरों में भी शोज हुए थे, तो एक अलग सा जोश था आपको देखकर। और कपिल देव जी ने भी कहा था आपको हरियाणा हरिकेन, तो क्या कहना चाहेंगी म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि सारेगामा पा के तरफ हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे, पहले जानना चाहेंगे म्यूजिक की शुरुआत किस तरीके से हुई। मैं बहुत छोटी थी, से अराउंड 6 or 7 इयर्स ओल्ड, और हमारे टीवी पे एक गाना चल रहा था चोरी के पीछे क्या है, तो पापा को बड़ा ऑफेंडेड लगा कि यार 6 से 7 साल की जो बच्ची है वो ऐसा गाना गा रही है। तो पापा ने मुझे बहुत डांटा, एक्चुअली उन्होंने मुझे सीधा उन्होंने गाते हुए सुना और उनका थप्पड़ आया, ये क्या गाना गा रही हो तू, बोला मुझे आई हैड नो क्लू यू नो व्हाट डज इट मीन। बिल्कुल। तो पापा ने फिर मुझे इतनी शक्ति हमें देना दाता, यशोमती मैया से और ए मेरे वतन के लोगों, इस तरह के भजन और देशभक्ति गीत उन्होंने मुझे कैसेट्स वगैरह वो लेके आए, उन्होंने एफर्ट किया मुझे सिखाया और मैंने उन्हें याद किया, वहीं से वो जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। और खलनायक पिक्चर का एक गाना जिसको गाना आपके पापा को पसंद नहीं आया, वहां से म्यूजिक जर्नी आपकी शुरू हुई, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा शौक लगा कि ये बच्चा क्या गाना गा रहा है हमारा। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने ये उनको पता चला कि हिमानी को मतलब सुर अच्छे मिले हुए हैं भगवान का, इट्स अ गॉड गिफ्ट, इट्स इट्स नॉट नेसेसरीली एवरीबडी हु जिनके जीन्स में चलता आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उनको भी मिले, या ये भी होता है कि जिनके पास्ट में किसी की फैमिली में नहीं था म्यूजिक, जैसे मेरी फैमिली है तो मैं पहली हूँ हमारी फैमिली में से जिसको जो म्यूजिक कर रही है। और क्या कमाल की आवाज है आपकी, एकदम बुलंद आवाज है, आप जब गाती है ना तो मुझे लगता है कि गूजबम्स तो पक्का हो जाते हैं जब आपको कोई लाइव सुन ले, इतनी खुली हुई आवाज है आपकी तो। और एक्चुअली मैं नहीं लगता कि फैमिली में कोई नहीं गाता होगा, यू आर द फर्स्ट टाइमर जो फैमिली में से निकल के आए हैं और उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। जी, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स ऑलवेज, बिकॉज उन्होंने ही इसको देखा और उन्होंने ही ये सोचा कि यू नो शी कैन गो इन दिस फील्ड। बट वो बहुत पुख्ता तब हुआ जब मैं अपने स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल की मैं पास आउट हूँ, वहाँ पे हमारी म्यूजिक हेड डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिसेस अंजू मुंजाल, मेरी गुरु, उन्होंने मुझे सुना और उनको लगा कि मेरी आवाज़ में बहुत ही कैपेबिलिटी है मुझे मेरे अंदर गाने की, अच्छा गाने की, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और उन्होंने मेरे पापा को बिठा के बहुत क्लियरली ऐसे कहा कि आपकी बेटी के अंदर रेयर टैलेंट है और मैं मेरे मन में इस आपकी बेटी को लेके कुछ गोल्स हैं तो मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। तो अंजू मुंजाल मैम ने बेसिकली डिस्कवर किया कि यू नो आई कैन सिंग वेल एंड मेरे पेरेंट्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और मेरे पेरेंट्स ने बेसिकली मुझे उनको समर्पित ही कर दिया। जी, और अंजू मुंजाल जी ने मतलब जितना अच्छे तरीके से वो समझाती हैं या डांटती भी है ना, वो भी बहुत कमाल लगता है, मतलब एक कनेक्शन बन जाता है आपका कि वो आपको ये बोलते हैं नहीं तुम्हें ऐसे करना है ऐसे करना है, वो डांटती भी है तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको मजा आता है सीखने में उनके साथ। और पूरे शहर के ना जाने कितने बच्चों के म्यूजिकल करियर उन्होंने बनाए हैं। बिल्कुल बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डांटती है तो बुरा नहीं लगता है। अच्छा, बुरा लगता है। मुझे बहुत डांट पड़ी है और वही डांट आज शायद काम आ रही है।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अंजू मुंजाल जी के साथ जब आपने सीखना शुरू किया तो इनिशियली आपको लगा कि आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए टीचर को तो लगता है कि बच्चे में पोटेंशियल है, पर बच्चा अगर 6-7 साल का हो और उसे डेली रियाज करने के लिए बुलाया जाए, उसे पढ़ाई के साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी एक काम दे दिया जाए, और वो भी एक फिल्मी गाना गाने से शुरुआत हुई हो और फिर पेरेंट्स ने कहा नहीं ये वाले गाने गाओ, तो कभी प्रेशराइज फील नहीं हुआ आपको कि नहीं यार बहुत काम हो रहा है थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, या फिर अचानक से म्यूजिक के लिए लव आ गया अंदर से? आई यूज टू एंजॉय ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लर्निंग पार्ट. आई यूज टू एंजॉय लर्निंग म्यूजिक. आई यूज टू एंजॉय बींग एसोसिएटेड विद म्यूजिक. तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि यू नो कुछ प्रेशर हो रहा है या मुझे रोज अंजू मैम के पास जाना पड़ रहा है सीखने के लिए. यू नो अंजू मैम वाज स्टेइंग इन सेक्टर 9 एंड माय हाउस वाज इन सेक्टर 29 व्हिच इज लाइक रियली फार फ्रॉम आवर हाउस, बट एवरी डे आई यूज्ड टू गो लाइक 5 डेज अ वीक तो जाना होता ही था. तो बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल में भी काफी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, भजन संध्या, ये सब चलता रहता था. और उसके चलते आई यूज टू लव, आई हैव दिस लव फॉर म्यूजिक विच नेवर यू नो आई डिड आई नेवर फेल्ट प्रेशराइज्ड अबाउट एनीथिंग व्हेन इट वाज रिलेटेड टू म्यूजिक, दैट इज इट. हाँ एक बात है कि जब मैं अपनी 11th में आप सब्जेक्ट्स चूज करते हैं ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स, तो मेरा इंटरेस्ट था नॉन मेडिकल लेने में बिकॉज आई लव साइंस एंड आई लव मैथ्स. तो मैंने नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया था और वो जो रिजल्ट्स आने के पहले जो क्लासेस शुरू होती हैं 3-2 महीने की, वो उनमें मैंने एनरोल कर लिया था. बट अंजू मैम मेड श्योर दैट आई एम नॉट टेकिंग नॉन मेडिकल बिकॉज इफ आई एम टेकिंग आर्ट्स. यस आई टुक आर्ट्स लेटर बिकॉज देन शी वॉज लाइक कि अगर तुमने नॉन मेडिकल ले लिया तो तुम्हारा म्यूजिक पर से ध्यान हट जाएगा और तुम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगी और मैं ऐसा नहीं चाहती. तो हालांकि मेरे लिए आर्ट्स ज्यादा डिफिकल्ट था ऑनेस्टली. मैं नॉन मेडिकल मेरे को आई एम मोस्टली रिलेटेड विद लॉजिक्स, सो साइंस एंड मैथ्स हैव लॉजिक्स, बट रट्टा जो मारना होता है साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट इज डेफिनेटली माय फोर्टे. सो या मैंने ह्यूमैनिटीज ली और म्यूजिक में ज्यादा फोकस था. और आपने ह्यूमैनिटीज ली अंजू मुंजाल मैम के कहने पर, और देखिए उनका एकदम उनकी दूरदर्शिता देखिए आप कितनी जबरदस्त रही कि नहीं अगर नॉन मेडिकल में डॉक्टर इंजीनियर बन गई तो म्यूजिक खत्म हो जाएगा, और म्यूजिक जो है वो कहाँ तक पहुंचा गया आपको, वो शायद आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा. बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था. और क्या है कि उनके हिसाब से म्यूजिक सबको नहीं मिलता है ना, तो जो जिसको मिला है एटलीस्ट वो तो करे, ये उनका कहने का मेन एम था कि यू हैव योर गिफ्ट, यू शुड नरिश योर गिफ्ट. डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, सब बन जाएंगे, सब बच्चे वही कर रहे हैं, पर कलाकार में जो कला होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो किसी के पास होती है. बिल्कुल, मतलब एक तराशने का काम अंजू मुंजाल जी ने किया और कन्विंस करने का काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया. एब्सोल्युटली. तो इसके बाद हिमानी जब ये सारे गामापा आया तब आप क्या कर रही थी, कॉलेज में थी या अभी पढ़ ही रही थी, और ये कैसे हुआ एकदम से? मैं तब लाखों लोग ऑडिशंस देते हैं इस चीज में और अभी भी लोग, अब तो खैर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस टाइम ऑडिशन देना भी आसान नहीं होता था, कम्यूटेशन भी इतना इजी नहीं होता था, कनेक्शंस बहुत मुश्किल होते थे. मेरे फादर मुझे ऑडिशंस में लेके जाया करते थे. मैंने सारेगामा पास से पहले इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, जो इंडियन आइडल 1 आया था जिसमें अभिजीत सावंत इज अ विनर, पहले मैंने उसका ऑडिशन दिया था और मैं ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव पर पहुंची गई थी वेयर दे केम टू नो दैट आई एम स्टिल नॉट 16 इयर्स ओल्ड. तो आई वाज नॉट 16 एट दैट टाइम और 16 होने में सिर्फ 24 दिन बाकी थे. तो आई रिक्वेस्टेड देम कि मैं 24 डेज में हो जाऊंगी 16 इयर्स ओल्ड, आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए, आप कर लीजिए, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड. सो आइडल में मेरा रह गया और उसके बाद आया सारेगामापा 2005. आइडल के चलते चलते सारेगामापा ने भी एक नया, पहले सारेगामापा अलग तरीके से आया करता, फिर उसके बाद ये एक प्रॉपर एक चैलेंज 2005 करके नया सीरीज उन्होंने आइडल को देखते हुए, क्योंकि इट वॉज वेरी पॉपुलर शो ऑन सोनी,
तो वो देखते हुए उन्होंने सारेगामा पा का एक नया पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने ऑडिशंस दिए और मैं आगे तक पहुंची. और तब मैं 16 इयर्स की थी, as I just said, and I was in 11th standard. Okay. जी, तो मतलब 11th भी बहुत स्कूल का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है. मेरे प्रिंसिपल सर डॉक्टर एवी भल्ला, उनका बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट रहा है, थ्रू आउट उनका सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में. अटेंडेंस के लिए भी कभी डीएवी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज मैं खुद डीएवी से पास आउट हूं, तो मुझे पता है कि वहां पर अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपके टैलेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप उस चीज में दिल खोल के काम कीजिए. जी, वही वही सपोर्ट जो है वो सभी स्कूल्स को मुझे लगता है देना चाहिए, जिस तरह से मेरे स्कूल ने दिया है अटेंडेंस को लेके. बट ऑल्सो दे मेड श्योर दैट आई कम्प्लीट माई स्टडीज. यस. सो इवन आफ्टर सारेगामा पा, मेरा एक साल का गैप आ गया था. सारेगामा पा के बाद मैंने अपने 12th के बोर्ड्स दिए और मैंने प्रॉपरली स्कूल अटेंड भी किया और मैंने अपने टीचर्स से अलग से जाके भी सीखा. तो आई एम रियली थैंकफुल टू द प्रिंसिपल, टू द स्कूल एंड द होल स्टाफ, ऑल द टीचर्स, यू नो, एवरीबडी हैज जॉइंड माई जर्नी. दे हैव हेल्प्ड मी पुश टू कम्प्लीट माई जर्नी. जी, अब सारेगामा पा की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था आपकी लाइफ का जिसने आपकी लाइफ को अलग डायरेक्शन में भेज दिया. एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप एक सेलिब्रिटी जैसी बन गई और वो भी इतनी छोटी उम्र में. इतने सारे, और आई गेस आप लास्ट के जो फाइनलिस्ट थे उनमें अकेली लड़की आप थी. जी, और उस टाइम सबको बहुत उम्मीदें थी कि हिमानी जो है वो सारेगामा पा जीतेंगी, लेकिन आप 2-3 स्टेप्स पहले बाहर आ गई. और उस दिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिल दुखा था फरीदाबाद के लोगों का, बिकॉज हम भी उस टेलीविजन पर उस टाइम देख रहे थे. जी. बहुत बुरा लगा था. तो हिमानी, ये सारेगामा पा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जर्नी कैसी रही? आजकल जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत सारे, इसमें इतना ग्लैमर होता है, इतना सब कुछ होता है, उस टाइम आपको कॉमेंट्स नेगेटिव भी मिलते थे. आजकल वालों में हौसला ज्यादा बढ़ा देते हैं पॉजिटिव, और ये अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है मैटर बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर, कि इतनी तारीफ कर देते हैं कि जो सिंगर होता है वो अपनी कमियों को जो है उस पर ध्यान ही नहीं देता. हालांकि वो बहुत पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन कमियों की तरफ ध्यान. और उस टाइम जब आप सारेगामा पा में गई तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आते थे, चाहे वो हिमेश रेशमिया दे रहे हो, चाहे वो आदेश श्रीवास्तव दे रहे हो, वो मुंह पे बोल जाते थे. जी, तो बेसिकली यू कांट से इट वाज कि वो नेगेटिव कमेंटिंग थी, इट वाज वेरी ऑनेस्ट डिसीजन. बेसिकली ऑनेस्ट होते थे कि आपने कहां गलती की आप. अच्छा, और इस तरह से देखा जाता था कि पूरा गाना गाया है तो 4 बार सुर छूटा, 1 बार ताल छूटी, तो ये सब चीजें वो नोट करते थे. और वो बोलने के वक्त इतना डिटेल में बताया करते थे. वो अलग बात है कि बिकॉज ऑफ टाइम का जो कॉन्स्टेंट रहता है वाइल यू नो टेलीकास्टिंग, तो उन्होंने वो इतना डिटेल में दिखाया नहीं करते थे, बट फिर भी काफी क्लियरली उसमें, और उसके ऊपर हमारे वोट्स बहुत डिपेंड करते थे कि जज ने क्या कमेंट दिया है, उसके ऊपर वोट्स बहुत डिपेंड करते थे कि कैसे आएंगे. तो हमारी टाइम पे इट वाज वेरी रियल, आई वुड से 80% 90% ऑफ इट वाज रियल, एंड बिकॉज इट वाज अ रियलिटी शो एंड फर्स्ट रियलिटी शो ऑफ सारेगामा पा ऑन जी, और इंडियन आइडल वाज आल्सो द फर्स्ट रियलिटी शो, दोनों साथ साथ ही आए थे. तो क्योंकि वो नए थे तो देयर वाज मोर ऑनेस्टी देन द स्क्रिप्टिंग, देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू नो द क्लोथ्स और मेकअप और लुक्स. और हमें ट्रेनिंग तो दी जाती थी कि आप गाते गाते डांस भी करो, बट हम लोग के ऊपर छोड़ दिया था कि हम कितने कंफर्टेबल हैं. अभी थोड़ा मैंडेटरी हो गया है. अभी कई सीजंस, कई एपिसोड्स में ऐसा भी होता है कि प्री डब कर लिया जाता है सिंगर्स को, पहले से डबिंग हो जाती है और वो माइक पकड़ के लिपसिंग करते हैं. ऐसा भी बहुत बार होता है, लेकिन हमारे केस में ये सब नहीं था. It was absolutely live. All the mistakes and all the good singing was right in front of all of you. The journey has been amazing. Very much learning, very much nourishing. और उन्होंने वहाँ जितना भी हमने time spend किया है, मतलब almost this went on for 8-9 months तक हमारा पूरा चला था सारेगामा पा. पूरे 8-9 months was a very changing मतलब period for all of us as singers. And as human beings as well. बिल्कुल, यानी एकदम से स्कूल से उठकर इतने बड़े लेवल पर जाना, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच में परफॉर्म करना और जनता आपको देख रही है, और उस टाइम वोटिंग के पैसे लगते थे,
2 से 3 रुपए पर SMS लगता था, तो लोगों के नए नए सेल फोन आए थे और वो सिर्फ उन्हीं को ही वोट करते थे जिनको दिल से प्यार करते थे। तो वो एक जेन्युइन सिस्टम लगता था। इसके बाद हिमानी फिर आपको आदेश श्रीवास्तव जी ने मौका दिया, हिमेश रेशमिया जी के साथ आपने गाया, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? यशराज की फिल्म्स में आपने गाया, मतलब ये बड़े बड़े नाम थे और ये बड़े बड़े नाम ऐसे नाम थे जिनके साथ एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क। एब्सोल्युटली। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहली रिकॉर्डिंग कैसी थी और क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर धीरे 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 बाकी सफर कैसे हुआ शुरू? रिकॉर्डिंग का एक एक्सपीरियंस हमको अंजुम मुंजाल मैम ने करा दिया था। एक स्टूडियो है दिल्ली में, ठकराल स्टूडियो, आई थिंक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो इन दिल्ली। वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल की प्रेयर्स का एक CD पूरा हमारा बना था, जिसमें मैंने भी 2-3 प्रेयर्स और भजन वगैरह गाए थे। तो एक एक्सपीरियंस तो मुझे हो गया था कि अच्छा ऐसे माइक के सामने खड़े होना है, यहाँ कान में फीडबैक आएगा, दैट्स हाउ यू हैव टू यू नो सिंग। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा हो गया था। उसके बाद जब आदेश जी ने जब मुझे चांस दिया चिंगारी फिल्म में, मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस, मतलब पहला डेब्यू ही जो मैंने किया मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के लिए किया, उसमें ठुमरी थी और सेमी क्लासिकल ठुमरी, तो उन्होंने बहुत 3-4 दिन उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करवाई एंड इट वॉज अ लाइव रिकॉर्डेड ठुमरी। नाउ दीज डेज व्हाट हैपेंस इज even that day, that times also this used to happen कि आप एक एक line dub कर रहे हो या एक side side dub कर रहे हो, थोड़ा break ले रहे हो, समझ रहे हो, फिर अंतरा dub कर रहे हो, but ऐसा नहीं था। ठुमरी जो मेरा पहला जो recording था, it was absolutely live, so एक take के अंदर आपको अपना best देना था। वैसे हमें live चल रहा था सब कुछ। जी, तो ऐसे हमने total 3 बार हमने take लिए थे इसके पूरे, इसमें से एक जो ठुमरी का एक जो पूरा take था वो final हुआ। और आदेश जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, उन्होंने ही वाज अ ट्रू मेंटर इन माय आईज, बिकॉज ही टोल्ड मी व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। एवरीबॉडी टेल यू कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि आपको ये नहीं करना है। तो वो चीजें मुझे आदेश जी ने बहुत उनसे मेरे को सीखने को मिली। और हिमेश जी के साथ यही बोलूंगी कि हिमेश जी का जो विजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है, और उन्होंने यही देखा कि हिमानी हैज अ वेरी डिफरेंट टोनल क्वालिटी देन द अदर सिंगर्स। आई हैव मोर ऑफ बेस इन माय वॉइस व्हिच ही यूज्ड टू रियली यू नो लव, एंड ही सेड व्हेन ही हर्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेड कि तुम्हारी आवाज बहुत अलग है और तुम्हें रिकॉर्ड करने में बहुत मजा आएगा। तो उन्होंने भी कम से कम आई थिंक उनकी मैंने 10 से 12 गाने मैंने उनके गाए हैं, उनके साथ वर्ल्ड टूर भी किया है 2007 में। जी, 2007 में हमने वर्ल्ड टूर किया, हमने सारी कंट्रीज में जाके परफॉर्म किया, काफी कंट्रीज, 25 कंट्रीज में हमने जाके परफॉर्म किया। वाओ, मतलब आपकी एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो चुकी थी। और उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, आपने बचना है हसीनों में गाया जोगी माही, बहुत प्यारा सा गाना है वो, एक फिल्म में बहुत अच्छा सा एक पिक्चराइज तो अच्छा किया ही हुआ है, ऑफ कोर्स आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन है। तो वो आपने गाया, देन दिल दिया है गाना, इतना खूबसूरत गाना, गीता बासरा उसमें, ये सारे गाने जो थे, ये उस टाइम के अगर हम सोचें तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था और इंटरनेट पर यूट्यूब पर हम ये गाने नहीं देखते थे, पर जब भी टीवी पर आते थे और दिन में कई बार आते थे तो सब बैठ जाते थे आराम से, क्योंकि इन गानों का म्यूजिक बहुत अच्छा था, जमाना था वो। हाँ, तो एक एक गाना सुनने के लिए आप पूरी CD खरीदते थे, आप पूरी कैसेट खरीदते थे एक एक गाने के लिए, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर में से अगर एक या दो गाने पसंद थे तो भी आपको पूरी CD लेनी पड़ती थी। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप एक गाना के लिए कुछ ऑप्शन आजकल जैसे डाउनलोड करके चला दिया आप बढ़िया अपना पेन ड्राइव में रखिए, वो चीजें नहीं होती आजकल, तो सिंगल्स रिलीज होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी की बात करते हैं, अभी आपका एक गाना आया फिल्म पगलैट से, फिल्म को रिव्यूज बहुत अच्छे मिले, बहुत अलग फिल्म रही है और इसमें अरिजीत सिंह ने एज अ कंपोजर डेब्यू किया। अभी तक उनके गाने हमने सुने लेकिन म्यूजिक उन्होंने अभी तक नहीं बनाया था और आप इसमें आई हैं, तो ये एक्सपीरियंस हमें बताइए कि अरिजीत सिंह, मतलब आज के टाइम के आप समझ लीजिए कि उनके गाने सुनने के लिए पब्लिक जो है दीवानी होती है, उनके हर गाने पर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं प्यार जरूर आता है, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं और उनके गाने हमेशा हिट होते हैं, तो उन्होंने ये जो म्यूजिक बनाया
उसमें आपने गाना गाया, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और गाना अगर दो लाइन गा भी सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। लॉकडाउन आपको पता है लास्ट ईयर जब शुरू हुआ, आई थिंक मार्च 2020 लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ प्रॉपर वाला, और हम मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ बिकॉज मेरा काम यही है, सो आई लिव हियर। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज यू वर नॉट एबल टू मीट एनीवन, यू वर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द हाउस, सिर्फ ग्रोसरी लेने निकलते थे या यू नो सब्जियां वब्जियां लेने ही निकलते थे बस, और वो भी एकदम डर डर के निकलना, तो वो ये यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बॉम्बे में। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वेंट बैक टू माई पेरेंट्स हाउस, बाई रोड इवेंट फ्रॉम बॉम्बे टू डेली, पासेज हमने अरेंज किए स्टेट्स के, अलग अलग बीच में जितने भी स्टेट्स आते हैं सब पासेज हमने किए, एंड देन बाय रोड हम लोग पेरेंट्स के हाउस पे गए, बिकॉज हाउसेज इन फरीदाबाद यू नो हाउ इट इज लाइक इन बॉम्बे, स्मॉल हाउसेज फ्लैट सिस्टम, बट फरीदाबाद का घर है, आंगन है उसमें, मम्मी पापा है, बड़ा घर है और अच्छा खुली हवा है। तो मैं और मेरी डॉटर हम दोनों लॉकडाउन में वहाँ शिफ्ट हुए। I was at my Masi's house in Ambala when I got a call. It was my birthday also. And I got a call, Tarsay Mittal hai, Arijit ke manager. Unka call aaya ki Himani ek birthday gift dena hai. Maine kaha jaldi batao. To unhone kaha ki Arijit as a music composer aa rahe hai for the film Paglet. And he wants to try your voice for one of the songs. So he will be sending you three songs. You have to sing all three of them. So your voice, wherever your voice is suiting the best, we will keep that song. I said, okay. Wow, now this is truly amazing, because we've been given a chance to choose a song, to choose our convenient scale of the song, which we don't usually get to do. ज्यादातर पे होता है कि हम स्टूडियो जाते हैं, वहीं गाना सुनते हैं, डब करते हैं, और बट यहाँ ये पूरा ही अलग तरीके से उन्होंने हैंडल किया अरिजीत ने। उन्होंने बहुत 90% सॉन्ग्स जो है पगलैट के आर इन फीमेल वॉइस, विच इज ऑल्सो अगेन रेयर, बिकॉज यूजुअली फीमेल ओरिएंटेड मूवीज में भी पीछे मेल कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में भी या वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, चाहे वो मैरी कॉम हो या वो चाहे थप्पड़ थी या यू नो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो फीमेल ओरिएंटेड है, बट उसमें गाने जो है मैक्सिमम मेल वॉइस के चल रहे होते हैं। तो दिस इज द फिल्म, तो उन्होंने बहुत इसमें काफी रूल्स ब्रेक किए अरिजीत ने इस, और अपनी पहली मतलब ही वाज सो डेयरिंग यू नो टू टेक अ चांस इन हिज फर्स्ट फिल्म एज अ म्यूजिक कंपोजर, सो आई सल्यूट हिम फॉर दिस। सेकेंडली उन्होंने अपना एक ओरियंट म्यूजिक करके उन्होंने अपना एक चैनल खोला यूट्यूब पे, उसी से गाने रिलीज हुए, किसी और लेबल को नहीं गए, अपने ही लेबल से उन्होंने गानों को रिलीज किया। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही डिड नॉट टेक एनी फेक व्यूज on the songs, which is very common these days. You can buy views, like आप पैसे देके आप ads खरीदते हैं और गाने हर जगह जगह जाता है, that's how you get so many millions of views, 100 millions या 200 millions, इनमें से बहुत सारे views जो है वो fake views भी होते हैं हमारे हमें भ्रमित करने के लिए। तो ये भी उन्होंने एक rule तोड़ दिया कि उन्होंने एक भी गाने में fake view नहीं लिया, जितना naturally अभी right now the song has 10 million views and I can believe that all the 10 million views are real, people have actually seen it for 10 million times. Yeah, this is believable. I mean 100 million 300 million is not believable to me, I'm talking about my point of view. So yeah, to ye teen char cheeze unhone jo kari hai iske dauran uske liye unki main bahut daad deti hu, bahut himmat chahiye iske liye. मुझे जब कॉल आया अरिजीत का, तब मैं अंबाला में थी अपनी मासी के घर पे, और उन्होंने मुझे गाना भेजा कि माने दिस इज अ सॉन्ग दैट यू हैव टू सिंग, और चंडीगढ़ में है रबाब स्टूडियो, लॉकडाउन था तो सब स्टूडियोज वर्किंग नहीं थे, लकीली रबाब स्टूडियो में हमारी मेरे प्रोड्यूसर है रेमंत मारवा, उन्होंने किसी तरह से अरेंज करके स्टूडियो खुलवाया और हमने ये गाना रिकॉर्ड करके अरिजीत को भेजा, ये वाला गाना द थोड़े कम अजनबी जी। ये गाना उनको अरिजीत को बहुत पसंद आया, बट उन्होंने कहा कि हिमानी यू नो यू कैन डू बेटर, आई नो योर कैपेबिलिटी एंड यू नो आई नो हाउ मच यू कैन सिंग एंड हाउ गुड यू कैन हाउ वेल यू कैन सिंग, सो आई टोल्ड हिम जस्ट गिव मी 1 to 2 डेज
सो दैट यू नो आई कैन लिसन टू इट मोर एंड मोर एंड यू नो मेरे अंदर वो रम जाएगा जब गाना मुझे याद भी हो जाएगा जब मैं आंख बंद करके बिना देखे गा सकती हूँ तो आई कैन कम्प्लीटली फील इट आई कैन बी इन द सॉन्ग कम्प्लीटली आई गिव माय 100%. सो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि ये स्टोरी है मूवी की और ये इमोशन आपको इसमें यूज करना है. आई टुक माई ओन टाइम एंड देन एक दो दिन के बाद जाके मैंने उसको रीड अप किया और देन ही वॉज वेरी हैप्पी विद द आउटकम एंड आउट ऑफ द थ्री सॉन्ग्स दिस सॉन्ग वॉज लॉक्ड इन माई वॉइस. वाओ. और अरिजीत सिंह के साथ काम करना, मुझे लगता है आपने काफी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और ये बहुत कम ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो किसी रियलिटी शो से निकल कर आते हैं, क्योंकि वो आते हैं और फिर धीरे 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 फेड आउट हो जाते हैं. लेकिन आप पिछले लगभग 15-16 सालों से बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ या फिर कहीं अच्छे अच्छे नामों के साथ काम कर रहे हैं. जी आई थिंक it's just the luck and the blessings of all the people and my god. So himani ab baat karte hain kuch aise logon ki jo aapko admire karte hain. bahut sare students music ke hote hain. anju munjal ji ke paas itne sare bacche jaate hain aur wahan par ek kahin na kahin har bacche ke mann mein ye ummeed hoti hai ki hum bhi himani kapoor ki tarah pahunche आगे. तो उनके लिए अभी क्या एडवाइस देना चाहती हैं आप, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है. अब क्या है, हर बच्चा अपने आप को यूट्यूब पे वीडियोस डाल के पॉपुलर बना लेता है और थोड़ा बहुत आजकल के जो रियलिटी शो है वो बेसिकली पूरी तरीके से रियलिटी बेस्ड नहीं है, तो जिसके पास थोड़ी सैड स्टोरी होती है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है. तो ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़े और कितना चैलेंजिंग है अब रियलिटी शोज में जाके परफॉर्म करना. मुझे लगता है अब क्योंकि इतना जबरदस्त सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सॉलिड अब आ गए हैं, तो अगर रियलिटी शोज नहीं भी होंगे या रियलिटी शोज में आप नहीं भी जाएंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. हमारे टाइम पे दोज वर वेरी बिग बिकॉज ऑफ रियलिटी शोज हम विजिबल हो पाते थे या हम म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजरों में आ पाते थे. हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था उस समय, यू नो, टू कॉन्टैक्ट देम और यू नो टू just come in touch with them easily. So reality shows was an easy way out at that time. Even now it is though, but you have many other options as well. So my first suggestion to the people who are pursuing music and who are aspiring musicians is that firstly, you need to learn music and you just can't learn music online or through YouTube. You can't. बिकॉज सामने से गुरु जो आपको बताएंगे आपको सुनने के बाद वो चीजें आपको जहन में रखनी बहुत जरूरत है और एक गुरु के प्रति समर्पण भाव बहुत जरूरी है. बिल्कुल, आप अगर गुरु से सीखने जा रहे हैं उनके रूम में जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपको बाहर चप्पल उतारते हुए अपना आज तक का जितना भी अचीवमेंट आपने हासिल किया है या आपने जितने भी आज तक काम किए हैं, ग्रेट ग्रेट काम किए हैं, वो चप्पलों के साथ ही आपको कमरे के बाहर उतार के फिर अंदर जाना है और उनको आपको अपना 100% समर्पण देना ही देना है. ओनली देन आई थिंक यू विल बी एबल टू यू नो अचीव समथिंग. यू विल हैव द प्योर ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु आल्सो एंड दैट ओनली विल मेक द होल सिनेरियो वेरी डिवाइन एंड इट विल बी अ वेरी डिवाइन जर्नी फॉर यू. दिस इज माय फर्स्ट सजेशन. एंड सेकंड इज दैट इफ यू आर लर्निंग अ सॉन्ग, सपोज हम लोग कोई गाना याद करते हैं, मैंने तो कैसेट्स पे याद किया है, रिवाइंड प्ले ऐसा सब कर करके हमने याद किया है, तो आई थिंक अब तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, आप लूप पे चला सकते हो. यू नो अर्लियर आई टेल यू दिस इज वेरी फनी. सो विच एवर सॉन्ग दैट आई यूज्ड टू लाइक एंड आई हैड टू लर्न तो मैं वो पूरी कैसेट साइड ए साइड बी सिर्फ वही गाना रिकॉर्ड कराती थी. अच्छा, ताकि वो बार बार रिवाइंड ना करना पड़े. जी, वो जो रिकॉर्डर्स बैठे होते हैं सेट्स के, व्हिच इज एन इल्लीगल काम एट दैट टाइम, इल्लीगल टू डू दैट, पर 10 रुपए पर सॉन्ग या 2 रुपए पर सॉन्ग कभी ऐसा कुछ अमाउंट भी लेते जी, थे तो एक ही गाने के आप सारे पैसे देती थी. यस, ब्लैंक कैसेट खरीद के और वो एक गाना, फिर जब वो याद हो गया तो उसी कैसेट पे फिर दूसरा गाना ऐसा. तो ये the thing that I'm going to tell everyone is that whenever you have to learn a song,
make sure that you're listening to the song at least 100 times before you attempt it. You know, 100 times, and that too consciously. ऐसा नहीं कि चलो मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा हूँ तो सुन लेता हूँ 100 बार. नहीं, आपको सिर्फ गाना सुनना है जब आप गाना सुन रहे हो. तो क्या होता है कि मतलब पेशेंस चाहिए आजकल की जनरेशन में, जो थोड़ी कम है वो पेशेंस चाहिए. थोड़ी नहीं दीक्षा, बहुत कम पेशेंस हो गई है. मैं अपना मैं औरों की क्या बात करूं, मैं अपनी डॉटर की ही बात करूं तो शी इज आल्सो वेरी इंपेशेंट. उसको लगता है कि अगर डोसा बनना है तो वो अभी बन जाना चाहिए, मतलब दाल भिगाने की जरूरत नहीं है, अभी ही खाना है तो अभी बन जाना चाहिए. बट देयर सभी चीजें इंस्टेंट तभी आ रही है. हाँ जी, so there's always a process to go through if you want a quality product. I can bring the dosa batter from market and make it, but it will not taste as good as if I started from scratch at my own house. मैं दालें भिगोऊं, चावल भिगोऊं, अगले दिन उसको पीसूं, उसको ferment होने दूं, उसके बाद जो मैं पकाऊंगी उसका स्वाद ही अलग है. तो quality अगर आपको चाहिए अपनी singing में, अपने काम में, और अगर आपको long resistance चाहिए अपने काम में, if you have to go for a long way, then you need to have patience and you need to have, you know, बहुत आपको hard work करना पड़ेगा scratch से लेके end तक, उसको polish करना पड़ेगा, only then you should attempt the song. वाओ, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है किसी भी फील्ड में. और आपने भी इतने साल इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ सीखा है, घर से दूर रह के अपने करियर को बनाना छोटी चीज नहीं होती है, वो भी इतनी छोटी एज से, जब आप स्कूल में ही थी. तो ये छोटे छोटे आप पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो जब आपने सारे गामा पास से बाहर आकर स्कूल में वापस जाना शुरू किया तो कैसा लगता था क्लास को? मतलब कि सेलिब्रिटी आ गई तो कभी कोई ऐसे लड़ता था कि नहीं नहीं हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो, सिट विद मी, ऐसा कुछ होता था? या टीचर को भी लगता होगा अरे हिमानी आई है, हम उसकी क्लास लेंगे, ऐसा कुछ होता था? जी सब लोग बहुत, सब लोगों का प्यार सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया था. और जो नहीं भी करते उनका भी बढ़ जाता है, उनका भी बढ़ गया था. जो बहुत पसंद नहीं करते थे या जो टीचर्स जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं उनकी क्लास छोड़ के म्यूजिक करने जा रही हूँ, तो वो खुश हो गई थी कि चलिए हमारी क्लास जो हिमानी ने या बंक की है या हिमानी ने अगर मेरी क्लास अटेंड नहीं की है तो आज उसने वो अचीव कर लिया है. तो उनको खुशी ही होती थी कि चलो हिमानी has at least, you know, achieved something and she is going towards this career that she is pursuing it. So yeah, the behavior of everyone was suddenly changed and it was absolutely their love and you know, for me. Yeah. So yeah. But मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो वैसे ही हैं जैसे होते हैं. वो वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं. जी, वो बात भी वैसे ही करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ की celebrity हूँ या क्या हूँ. They are very true to me, always. Okay. So, Himani, अब आप जैसे अभी मुझे बता रही थी डोसा बनाने का पूरा प्रोसेस, तो इसका मतलब आप खाना बहुत बनाती हैं? जी जी, मैं कुकिंग इज वन ऑफ माय हॉबीज. इट इज वेरी थेरेप्यूटिक. हाँ, ऑफ कोर्स. और जब बॉम्बे में रहते हैं तो इट्स, मुझे लगता है कि इट्स नेसेसरी आल्सो कि आपको खाना आना चाहिए बनाना. तो आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए, फैमिली के बारे में कुछ बताइए. हाउ ओल्ड इज शी और कैसे आप उसके साथ टाइम बिताती हैं? क्योंकि आप जब रिकॉर्डिंग्स पे जाती हैं, बाहर जाती हैं तो मतलब आउट ऑफ सिटी जा रही हैं शोज करने. अभी तो पिछले 1-2 सालों में शोज थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले, तो कैसे वो मैनेज करती है, वो कैसे हैंडल करती है चीजें? अमायरा वाज 2 years old व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम अ मैरिज. And while I was in my marriage, my music was discontinued because somehow the in-laws and my ex-husband, they had a problem, you know, me going out and, you know, performing somewhere. So I was completely stopped to sing commercially, to which I had agreed initially ki theek hai, because I was so much in love with the guy. Yours was love marriage. Yes, it was a love marriage. So I was so much in love. फिर वो बेसिक्स आपको थोड़े भूल जाते हैं, जो धीरे धीरे आपको वैल्यू उसके बाद में समझ में आती है कि भाई ये गलती हमने कर दी. बट उससे निकलना, आई थिंक वो गलती को रेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत सी लेडीज आई नो दैट यू नो दे वांट टू स्टिल परस्यू देयर करियर्स, बट सिंस दे आर इन देयर मैरिज एंड दे हैव किड्स, दे आर वेरी फियरफुल ऑफ टेकिंग एनी स्टेप यू नो टू बी इंडिपेंडेंट अगेन. My parents have been very supportive
they have always been supportive. Whatever decision that I had to make, I just used to speak with them. और उन्होंने कहा है बेटा आपको जैसे ठीक लग रहा है, शादी जब करनी थी तब भी साथ दिया, जब शादी से निकलना था तब भी साथ दिया, हर चीज में उनका साथ रहा ही है. तो आई थिंक दैट पेरेंटिंग दैट विच आई गॉट, इट मैटर्स अ लॉट टू मी एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट द वे दे हैव रेज्ड मी आई रेज माय किड एज वेल इन अ सेम मैनर. माय डॉटर शुडंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, शी शुडंट फील दैट यू नो शी इज डिपेंडेंट ऑन एनीवन. तो 2 साल की जब अमायरा थी, मेरा डिवोर्स हुआ था और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और मेरी मॉम भी कब आती जाती रहती थी यहाँ पे बॉम्बे में. और हमारे साथ अमायरा जब से पैदा हुई है तब से एक हमारी केयर टेकर है, शी इज बीन टेकिंग केयर ऑफ अमायरा सिंस शी इज बॉर्न, सो शी वॉज ऑल्सो विद मी. तो धीरे धीरे शुरू किया. When I restarted my career after a long 5 years of gap, it was difficult again. It was like as if I've come back to square one and you know I restarted. ऐसा हुआ था. तो सबसे पहले मैंने अर्जुना हरजाई, एक म्यूजिक कंपोजर है, उनको मैंने एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया, लाइक अ जॉब व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे. व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज आई वांटेड टू गेट इन टच विद रिकॉर्डिंग्स, a process of making music and to listen to various types of singers जो आते थे वहाँ पे dub करने के लिए. कभी जोनिता गांधी आ रही है, कभी दिव्य कुमार आ रहे हैं, कभी गिप्पी ग्रेवाल आ रहे हैं, बहुत सारे singers वहाँ के studio में आके record करते थे. and I was assisting Arjuna Harjai as in what is an assistant's job is you know to make sure that other than the composer's part everything is set and done. तो recordings करवाना कि आपका सुर यहाँ सुर ठीक कीजिए या पिच यहाँ ठीक कीजिए. तो वो सिखाते मतलब कराते खुद की कितनी लर्निंग हो रही होती है वो मतलब बाद में पता चलता है. सो फॉर 1 year आई असिस्टेड अर्जुना हरजाई एंड अमायरा को धीरे धीरे आदत पड़ी कि मम्मी जॉब पे जाती है, सुबह जाती है, शाम को लौट के आती है. एंड अमायरा ग्रेसफुली हैंडल इट, शी वाज टू यंग टू फिगर आउट यू नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई नेवर लाइड टू हर. Whenever I went anywhere, I told her that I'm going to. कहते हैं मम्मी कहती बेटे नीचे तक जा रही हूँ सब्जी लेने और फिर वो जॉब पे निकल आती. वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया. मैंने उनको बताया कि बेटा शाम को ही आऊंगी, मैं काम पे जा रही हूँ, मैं शाम को आऊंगी. बीच बीच में उसको स्टूडियो भी ले जाती थी दिखाने के लिए कि मम्मा क्या काम करती है, मम्मा कैसे काम करती है. तो शी नोज वेरी वेल दैट इफ मम्मा इज गोइंग फॉर अ शो, शी इज परफॉर्मिंग, शी सीज माई पिक्चर्स एंड शी टेल्स मी मम्मा कैसा हुआ आपका शो, मुझे वीडियो दिखाओ. तो मैं उसको वीडियोस वगैरह दिखाती हूँ, गुड लक विश करती है फोन करके, रिकॉर्डिंग्स के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है हग करके. सो इट्स शी इज अडैप्टेड टू दिस करियर एंड नॉन प्रेजेंस ऑफ माइंड वेरी वेल. इफ आई हैव टू ट्रैवल लाइक यू आस्क्ड मी, इफ आई हैव टू ट्रैवल फॉर मोर देन यू नो वन डे फॉर 2-3 days, इफ आई हैव टू ट्रैवल, माय मम्मा कम्स हियर टू बॉम्बे. माय मम्मा कम्स हियर, शी लुक्स आफ्टर अमायरा. और मे भी अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली के साइड या नॉर्थ, तो साथ में ले गए, तो अमायरा को मैं साथ ले जाती हूँ, उसको मम्मा के पास छोड़ देती हूँ और मैं आगे पूरा जर्नी करती हूँ. बट इट्स बीइंग मैनेज्ड वेल. अभी लॉकडाउन में तो और अच्छा मैनेज हो रहा है बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कहीं से भी कर सकते हैं अमायरा. हाँ बिल्कुल जी. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज इन फरीदाबाद ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई हैव माय हाउस इन बॉम्बे. तो जब भी कोई ऐसा काम इंपॉर्टेंट रहता था जिसके लिए फिजिकली आई हैव टू बी हियर, तो मैं अप डाउन करती हूँ. बाकी रिकॉर्डिंग तो कहीं से भी करके भेज देते हैं. NIT में एक स्टूडियो है मनीष भाटिया जी का, सरगम प्रोडक्शंस, वहाँ पे मैं जी आपको तो पता ही होगा. तो वहाँ जाके मैं अपने गाने रिकॉर्ड करके मैं भेज देती हूँ. अभी एक मूवी आई है कॉल्ड 14 फेरे. यस यस जी, उसमें भी एक मेरा गाना है, वो मैंने उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है. तो या रिकॉर्डिंग तो कहीं से भी हो जाती है, बट व्हेन आई हैव टू बी फिजिकली हियर आई कम हियर. ओके, तो मतलब मैनेज अच्छे से हो रहा है. एंड हाउ ओल्ड इज योर डॉटर नाउ? शी इज 7, शी विल बी 8 इन दिसंबर. ओके बिल्कुल. और इतना बच्चे अच्छे तरीके से आजकल समझने भी लग गए हैं ना चीजों को, मुझे लग रहा है समय से पहले मैच्योर भी हो जाते हैं. अगर समय से पहले जिद्दी होते हैं तो मैच्योर भी हो गए हैं. जी जी. तो म्यूजिक सीखती है हमारा अमायरा को भी गिफ्ट मिला हुआ है एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस. शी लव्स, शी आल्सो लव्स म्यूजिक, शी सिंग्स, शी इज लर्निंग पियानो आल्सो, शी इज लर्निंग गिटार आल्सो एंड जी. और
बट उसका जो मैं देख रही हूँ इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. शी लव्स टू डू जिमनास्टिक्स. तो अभी आई थिंक एज अ मदर माई ड्यूटी इज टू प्रोवाइड हर विद एवरीथिंग एंड एज शी ग्रोज शील डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स. एंड सीरियसली हिमानी, एक आप बहुत अच्छी सिंगर तो हैं ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस तरीके से बता रही हैं सारी चीजें, आप एक बहुत अच्छी माँ और एक बहुत अच्छी डॉटर भी हैं, जो इतनी सारी चीजों को परफेक्टली मैनेज करके चल रही हैं. बॉम्बे में रहना, यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी वहां पर रहना और वहां पर रहकर अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करना, इतनी सारी सिचुएशन, इतना कॉम्पिटिशन, इतना सब कुछ, और जीरो से अपने करियर को स्टार्ट करना छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है. तो यू आर एन एग्जाम्पल, जो हम एम्पावरमेंट की बातें करते हैं तो आप वो एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारी लड़कियों को ये हौसला दे सकते हैं. क्योंकि हम अक्सर रेडियो पे बात करते हैं या हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर रेडियो शोज में, कि एक लेडी है, बच्चे हो गए, अब वो छोड़ नहीं सकती है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, पढ़ाई करती थी, अच्छी जॉब करती थी, पर शादी के बाद सब छोड़ दिया. तो वो एक हौसला जो मिलता है ना, आप जैसे लोगों से ही मिलता है उन सभी को, कि नहीं, अगर छोड़ दिया था पहले तो अब वापस शुरू भी किया जा सकता है, क्योंकि जो नॉलेज होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इसलिए जरूरी है कि आप शादी वादी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आपका खुद का एक अस्तित्व होना बहुत जरूरी है. सो दैट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, इफ यू आर सडनली इन अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हिमानी, आप चलते चलते बस थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि आप अभी फिलहाल जब परेशान होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं या बोर हो रही होती हैं, तो किन चीजों से आपका मन जो है वो खुश हो जाता है, क्या करना पसंद है म्यूजिक के अलावा? मुझे हाइकिंग करना बहुत पसंद है. मुझे ट्रैवलिंग, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग यूजुअली हमारे लाइव शोज की वजह से हो ही जाती है. तो इफ आई एम गोइंग टू जयपुर टू परफॉर्म, आई स्टे बैक फॉर वन और टू मोर डेज, आई एक्सप्लोर द सिटी. एंड दिस इज लॉकडाउन में ये सब बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है. तो मैं और अमायरा हम लोग कश्मीर चले गए थे अप्रैल में फॉर वन मंथ. वी स्पेंड द टाइम देयर. एवरी अर्ली मॉर्निंग वी यूज्ड टू वेक अप, गो फॉर हाइकिंग और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना. उसके बाद जून में फिर से हम एक महीने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए और वहाँ पे हमने रेंट पे कैंप में टेंट ले लिया और वहाँ से हमारा वाज डूइंग हर स्कूल फ्रॉम देयर ओनली बिकॉज इट्स ऑनलाइन. और स्कूल होने के बाद, स्कूल होने के पहले वहाँ जो कैंप में डॉग्स हैं उनको घुमाने लेके जाना, बाहर आसपास जो झरना है वहाँ पे नहाने जाना. तो ये सब चीज़ें करने का मुझे बहुत शौक है, टू स्टे कनेक्टेड विद नेचर इन एनी वे. Because it's very healing, it reduces your stress and anxiety. And when you're in sync, when you're coexisting with nature, with things around you, so I think stress and anxiety aati hi nahi. बिल्कुल बिल्कुल. और स्ट्रेस एंग्जाइटी की जगह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रेस भी कुछ कर सकता है. ऐसा नहीं है, स्ट्रेस होता है मुझे भी बहुत बार चीजों को लेके. तो वी हैव टू फिगर इट आउट, दैट्स इट, कि हम हमारे लिए क्या बेस्ट है वो हमको फिगर आउट खुद ही करना पड़ता है. नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस थिंग स्पेशली. आप ही कोई मदद मुझे नहीं लगता कर सकता है अनलेस आप तैयार हो मदद लेने के लिए. तो वो बहुत जरूरी है कि आप अंदर से क्या चाहते हो, आप उसको अपने अंदर घर करना चाहते हो या आप उसको अपने से बाहर निकालना चाहते हो. तो उसकी वेज को फिगर आउट हमें खुद करना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हिमानी, फरीदाबाद में आप जब आते हो तो कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी जगह है जो आपको बहुत अच्छी लगे या कुछ ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? फरीदाबाद में जब आती हूँ तो मैं मोस्टली गुड़गांव मेरा जाना ज्यादा रहता है, बिकॉज मेरे दोस्त हैं मनन भारद्वाज, उन्होंने, और हिमानी वो भी हमारे शो पर आ चुके हैं. अच्छा जी. तो मनन हैज बीन रियली हेल्पफुल. ही इज बीन वन ऑफ माय वेरी हेल्पिंग फ्रेंड्स, यू नो, इन माय जर्नी टू स्टार्ट माय करियर, बिकॉज ही हैज हिज ओन प्रोडक्शन हाउस. नाउ ही हैज एवरीथिंग अंडर वन रूफ, वेयर द कंपोजिशन इज हैपनिंग, अरेंजमेंट ऑफ द म्यूजिक इज हैपनिंग, मिक्स एंड मास्टर गानों का वही होता है, शूट वो लोग खुद करते हैं, शूट करने के बाद प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन भी पूरा, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वो एक ही छत के नीचे हो रहा होता है. स्टूडियो इज कॉल्ड नम्योहो स्टूडियोज. तो
मनन के साथ टच में मैं आई इन 2017 अराउंड नवंबर दिसंबर, तो तब वहां से हमने एक कवर सॉन्ग्स करने की जर्नी स्टार्ट की. कवर सॉन्ग्स आर द सॉन्ग्स दैट वी रीडू रिक्रिएट एनी अदर सॉन्ग, मतलब जो भी गाने में पसंद है हम उन्हें रिक्रिएट करते हैं. तो वो करने शुरू किए, कॉन्फिडेंस आना बहुत शुरू हुआ मेरे अंदर, जो कहीं ना कहीं आई वॉज यू नो बिहाइंड बिकॉज ऑफ दैट गैप यू नो. तो वो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ, खुद को मैं पसंद करने लगी. जब हम मेकअप होता था और शूट होता था और मैं बाद में देखती थी कि वाह अच्छा आया है सारा आउटकम, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वीडियो इज लुकिंग वेरी नाइस, सो दीज थिंग्स रियली मैटर टू मी एंड मनन हैज बीन अ ग्रेट हेल्प. सो व्हेनेवर आई एम इन फरीदाबाद, इट्स क्वाइट ऑब्वियस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, इवन यू विल रिलेट टू मी विद दिस, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू कांट सिट विदाउट वर्किंग. Yes, absolutely, बिल्कुल. काम नहीं होता तो बहुत बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि अरे क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे कितनी देर फोन देखें, कितनी देर वीडियो देखें. बिल्कुल. और मनी फाइनेंशियल से ज्यादा हमें ये नहीं पता होता कि हमको बस काम करना है, पैसे आए नहीं आए, कम आए ज्यादा आए, जो भी वो चलता रहेगा, लेकिन काम हमें करना बहुत जरूरी है टू कीप आवर ब्रेन बैलेंस. So, whenever I'm in फरीदाबाद, मेरा हर एक दो दिन छोड़ के गुड़गांव जाना होता ही है. अगर कुछ काम हमें नहीं होता तो हम बना लेते हैं जाके कि चलो कुछ काम करते हैं, कुछ गाना वाना करते हैं. अब तो ओरिजिनल्स कर रहे हैं, ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स रिलीज कर रहे हैं. एक अभी हाल में ही एक गाना आया है रोने दे, तो नम्योहो स्टूडियोज में जो सारे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनमें से एक लड़का है वैभव, उसकी कॉम्पोजिशन है वो और लिखा भी उन्होंने ही है. तो just as the support of mine to his team and to his channel, new channel which he's launched. So we did this song Rone De aur iska humne shoot kiya hai Faridabad. Oh, video Faridabad mein. Okay ji, Drona Farms hai Nacholi. Okay. Nacholi ke aas pass Drona Farms, a very beautiful farmhouse it is. Wahan pe humne Rone De ki shooting jo hai wahan ki hai, Faridabad mein ki hai. People in Faridabad are very very supportive. कुछ भी चीज की जरूरत है, कुछ भी है तो यू नो, मेरे फादर ही इज वेरी सोशली एक्टिव पर्सन, तो मैं जस्ट एक पापा को बोल देती हूँ और पापा सब अरेंज करवा देते हैं. बहुत सारे और बहुत सारे लोग आपको मतलब इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो हम शुरू से ही देख रहे हैं, 2005 से पहले से भी देख रहे हैं. या हिमानी, कुछ अपनी फिल्म के जो आपने गाने गाए हैं इतने खूबसूरत, कुछ लाइन्स अगर हमें सुना पाए तो. जरूर जरूर. सो दिस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट पगले, तो मैं उसी का गाना आपको सुनाती हूँ. थोड़े हम आगे हो, थोड़े से कम अजनबी मेरे दिल के घर में खिड़की नहीं है खुद गई, थोड़े से कम अजनबी, थोड़े से कम अजनबी, ख्वाहिश नहीं होठों की मुंडेरों पे छिपी हरेरों, छोटी छोटी सी खुशी ओ, थोड़े से कम अजनबी अच्छी सी लगे जिंदगी. वाओ, एक तो इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत प्यारे हैं और आपने तो ऑफ कोर्स इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाई दिया है. थैंक्स टू निलेश मिश्रा जी, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स ही इज रिटन. हिमानी, आपकी जो गुरु रही हैं अंजू मुंजाल जी, उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और टीचर्स डे के मौके पर मैं चाहूंगी आप उनके लिए कुछ जरूर बोलें. मैं टीचर्स डे पे यही बोलना चाहूंगी, मेरे दो गुरु हैं, मेरे प्रथम गुरु श्रीमती अंजू मुंजाल और बॉम्बे में मेरे गुरु जी हैं श्री कुलदीप सिंह जी, दोनों से मैंने बचपन से ही सीखा है. स्पेशली अंजू मैम, आपको बस ये कहना चाहूंगी, इफ इट वॉज नॉट यू इट वुडंट हैव बीन मी, यू नो, आप ही हो जिसने मुझे
पहचाना, आपने ही मेरे संगीत को पहचाना, मुझे पहचाना और आपने ही मुझे तराशा. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल. थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज व्हाट यू हैव डन फॉर मी, आई डोंट थिंक कि इतनी शिद्दत और इतना डेडिकेशन फॉर अ स्टूडेंट आजकल देखने को मिलता है. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड आई लव यू. यू आर जस्ट लाइक माई मॉम एंड आई ऑलवेज गॉट दैट लव फ्रॉम यू, लाइक यू आर माई मॉम. So I just wish you a very happy Teacher's Day. Thank you for your existence. I thank to God for your existence. तो हिमानी कपूर ने इतना सब कुछ अचीव किया है और उम्मीद है आगे इससे भी ज्यादा अचीव करेंगी और इस शहर का नाम और ज्यादा रोशन करेंगी, यही हम चाहते हैं. एक खास मुलाकात में आज आपने अपना टाइम दिया, हमसे बातचीत करी और इस कार्यक्रम में आप जुड़ी और लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स आपने शेयर करे जो जनरली दूसरे इंटरव्यूज में कई बार नहीं हो पाते या दूसरी बातचीत में आप नहीं कर पाते. आपने वो सारी बातें बताई शुरू से लेकर आज तक की अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए थैंक यू सो मच. माय प्लेजर दीक्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. तो एक खास मुलाकात में आज हमने हिमानी कपूर से बात करी, फरीदाबाद की एक ऐसी बेटी जिन्होंने सिर्फ फरीदाबाद का नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं म्यूजिक को एक नई उम्मीद भी दी है और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत सारा नाम ऐसे ही अचीव करें, बहुत सारी सक्सेस अचीव करें, यही हम चाहते हैं. एक खास मुलाकात में आज बस इतना ही. मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और सोशल मीडिया के साथ भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा हमेशा. फिलहाल दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.